अभी अपन यहाँ पे तो यहाँ से हम आपको घोल तक छोड़ेंगे, नियर अबाउट 4 किलोमीटर तक रहेगा। यहाँ घोल 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 पे पहुँचोगे आप, फिर आपको रोड से ना गार्जेवाड़ी, यहाँ गार्जेवाड़ी, यहाँ पे आप गार्जेवाड़ी के बाद है ना यहाँ हो गए, फिर यहाँ मतलब ग्रास पूरा है ना, ये पेड़ है यहाँ से, ग्रीनरी अच्छी तरह से, जंगल है, जंगल से आप यहाँ पे होते हुए इधर सब रिबन होगा, सब लगा होगा। एक नीचे आप नीचे एक पोल में उतरोगे, पोल थोड़ा सा और सामने ना ब्लू कलर का सा झोपड़ी सा बना हुआ, एक ही पतरा है वो देखिए, वो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट चले नीचे उतरोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे, फिर राइट में आप पहुँच जाओगे, फिर यहाँ आओगे आप, यहाँ पे आके ग्रीनरी से आप ऐसा टर्न ऐसा हो के ना यहाँ एक इस पैच पे आओगे, इधर एक पैडी राइस ऐसा, ये ऐसा वाला राइस है, ये आइस बोला ग्रास ऐसा, यहाँ तक आओगे, फिर उसके बाद आपका एक क्लाइम है पूरा, ये यहाँ से आपको जाना है ऊपर, इधर पूरा मिट्टी जैसा है, ये जो स्टेप्स है ना मिट्टी जैसा, तो निकालो मिट्टी निकालो ऐसे, दोनों साइड में कारवी है, मराठी में कारवी, कारवी का झाड़ है, तो इसमें से आप ऊपर जाओगे, यहाँ से होते हुए आपको क्लाइम करते करते इधर पूरा एक वो स्टीफ है, ये 20 मिनट का क्लाइम है, हम लोग 20 मिनट का क्लाइम किया था नीचे रहो, तो आपको ज़्यादा देर लग सकती है, यहाँ पे आओगे तो क्लाइम यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा, फिर यहाँ इस तरफ आओगे, ये पानी का टाँक, ये इधर एक पानी का टाँक, यहाँ तक नहीं जा सकते, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ जाना, यहाँ पे क्या हुए यहाँ पे 20-25 जन आराम से खड़े रह सकते ज़्यादा देर, फिर से यहाँ से वापस इस तरफ आओगे, इस तरफ आके आप इधर से क्लाइम करते करते फिर इधर से रॉक पैच चलो, इधर ऐसा क्लाइम है, मतलब दोनों आपको चारों आपके क्लाइम्स लगाने जोर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ से ऊपर फत्तर ऐसा पूरा ऐसा पैच, इधर रिस्की नहीं है लेकिन क्लाइम है, इधर स्टेप है ऐसा, एक के ऊपर पत्थर रखे हुए तो उसके ऊपर से आप ऊपर जाओगे, फिर ये कोकन दीवा है, यहाँ पूरा आप 25 दिन आराम से खड़े रह सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको पूरा व्यू देखेगा, ये स्टॉपेस्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से यहाँ का इस रूट का, और इसके यहाँ से फिर से आप इधर आओगे, फिर आप नीचे जाओगे, फिर शरद खिंड आएगी, शरद खिंड से जाओगे ना तो इस तरफ आओगे ये पूरा ग्रीनरी, फिर से ग्रीनरी है, ठीक है, यहाँ से आओगे, फिर वो झाड़ जो दिख रहा है ना, बड़ा आम का झाड़ है, बड़ा आम, उसके लिए वो झाड़ रखा है, उधर से डाइवर्सन है, एक कावड़े घाट करके उधर जाता है राइट साइड में, आपको लेट सी तरफ जाना है नेक्स्ट कैंप के लिए, हायर कैंप के लिए, मार्क है वहाँ पे पूरी सब जगह मार्किंग है, जैसा यहाँ पे मार्किंग था वैसे आपको मार्किंग देगा, और शायद नितिन और ये आ रहे आपके साथ में नहीं रहेंगे, ये तो आगे निकल जाएंगे और वापस आते टाइम मिलेंगे आपको, ओके ठीक है, अभी एक अपन फोटो के लिए,
वाला जो बनाया था, परशुराम ने एक्स फेंका तो केरला बन गया। तो परशुराम उनका केरला का प्रोटेक्टर था। तो फिर परशुराम एक बार तपस्या करने जा रहा था, तो ये सारे मल्लू सो घबरा गया, आप तपस्या करने जाए तो कोई असुरा के हमें मार देगा। तो परशुराम बोलेगा, डरो मत, मैं हूँ, मैं किसी, बोले आप सब इकट्ठा करके मेरे बारे में सोचेंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो बोला था, बोलकर चला गया। ये मल्लू लोग तो परेशान है, मान लो नहीं आए तो। फिर उसने बोला, हम एक बार ट्रायल करते हैं ना। सब इकट्ठा करके परशुराम को सोचा, बेचारा भाग गया, आया क्या हुआ, नहीं नहीं हम टेस्ट कर रहे हैं। तो उसने परशुराम साहब दिया, आपसे कोई मल्लू एक साथ सोच नहीं सकता है। वो बाकी नीचे जो एरिया है, ये घास है, ये स्क्री है, तो मैडम आप घास पे चलेंगे। वो घास का भी कैपेसिटी होता है। तो इनके कदम रखने से घास लूज हो गए। मैं आगे तो पूरा ऐसे लेटी है, हाथ पकड़े खींचा और गिरी, मुझे हंस रही है। ये गिरी और सर ने हाथ पकड़ा, मैं दूर से खड़ी देख रही हूँ, सर ने पकड़ लिया तो मुझे आने की क्या जरूरत है। और ये फिसल, वहाँ पे गिरी पड़ी है घास पे, वहां से दिख नहीं रही कि नीचे कितना जाने वाली। और ये हंस रही है वहाँ पे, ये इंसिडेंट पर है। उसके हंस रही है, उसके बाद सर मुझे बोलते हैं, तू आके नीचे पकड़ ना। ये सबसे अकेले नहीं हो रहा, मैं जाके हाथ पकड़ती हूँ। मोहित जी आए, तभी मोहित जी आप भी आ जाओ। हम दोनों मिलके खींच रहे हैं कि ऊपर आने को तैयार नहीं है। थोड़ा तो कोशिश कर उठ के आने का। रशिया, अमेरिका और इंडिया के साथ, तो तीनों के एडमिरल एक वॉरशिप में ट्रैवल कर रहे थे। तो डेयरिंग की बात चल रही थी आपस में, तो बोले कि कौन सा कंट्री के लोग कैसे, कितने डेयरिंग वाले होते। तो फिर अमेरिका वाला बोलता है, मेरे जितने सोल्जर्स हैं हमारे बहुत डेयरिंग होते हैं। तो बोलता था, कमांडो कर बोलाता है। तो फिर वो आता है, यस सर। तो बोलता है, जंप ऑन द सी, कंप्लीट द राउंड विद इन 10 मिनट्स। यस सर बोल के जंप कर देता है, और 10 मिनट्स में कंप्लीट करके आता है। फिर आगे बोलता है, कंप्लीट सर विद इन 10 मिनट्स। बोलता है, सी द डेयरिंग। तो फिर उसके बाद फिर रशिया वाली की बारी आती है। रशिया वाली बोलता है, कमांडो। तो उसका कमांडो आता है, यस सर, जंप टू द सी, कंप्लीट विद इन 5 मिनट्स। यस सर बोल के जंप कर जाता है। फिर वो आता है राउंड करके 5 मिनट्स में, कंप्लीट सर रिपोर्टिंग, सी द डेयरी। अब इंडिया का पर्सन बोलना तो पड़ेगा, यस सर, जंप ऑफ द सी, कंप्लीट विद इन 1 मिनट। कमांड बोलता, तेरे बाप ने दिया तो क्या, सी द डेयरी। रासनाया रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा है उससे मुकम्मल कर दिया हो, वो जो दबी सी बात बाकी है, वो जो दबी सी चाह बाकी है, वो जो दबी सी चाह बाकी है, करते हैं हम आज कबूल क्या कीजे, करते हैं हम आज कबूल क्या कीजे, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजे। ठीक है, तो पोयम का शीर्षक है, हिंदी ऑलमोस्ट सबको समझ में आती है ना, बाकी नहीं समझ में आए तो भावनाएं समझ लीजिएगा, आई होप समझ जाएंगे आप। टाइटल है, वो पूछते हैं क्या हम उनसे खफा हैं। ठीक है, वो पूछते हैं क्या हम उनसे खफा हैं।
खफा मतलब नाराज, क्या मेघ दामिनी से तट तरंगिनी से खफा हो सकता है? मेघ दामिनी मतलब आसमान बादल और बिजली, तट तरंगिनी मतलब नदी और उसका किनारा। क्या दिवाकर तिमिर से हिमिर जवर से खफा हो सकता है? क्या अजगर चंदन शीत से वृक्ष तपती धूप से खफा हो सकता है? पर भी वो हमसे पूछते हैं क्या हम उनसे खफा हैं? पर क्या हमें हक भी है उनसे खफा होने का, उन्हें किसी और के साथ मुस्काता देख ईर्ष्या खाने का, उनकी आंखों की गहराई में पल दो पल डूब जाने का, उनके हाथों को थाम घंटों मुस्काने का, उनके होठों से निकले कश के नशे में मदमस्त हो जाने का, जिस्म को छोड़ उनकी रूह में समाने का, और वो पूछते हैं क्या हमें हक भी है उनसे रूठ जाने का। चलो माना हमने ये हक नहीं तुम्हारे करीब आने का, तुम्हारे साथ मनचाहा वक्त बिताने का, पर जल को किसने हक दिया बंजर धर की प्यास बुझाने का, वक्त को किसने हक दिया तेरी बेसुधी में ठहर जाने का, जमाने को किसने हक दिया हम पर यूं तंज कस जाने का, तुझे किसने हक दिया हमें वक्त दर वक्त ठोकर मार जाने का, हर बार वादा करके हमें तन्हा छोड़ जाने का, और हमें किसने हक दिया तुमसे खफा हो तुम पे ही फना हो जाने का, हाँ हमें हक है तुझसे रुक जाने का। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, वो वादियाँ के हम मिले थे जहां, वो वादियां वो फिजाएं के हम मिले थे जहां, मेरी वफा कम वहीं पर मजार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, यकीन नहीं है मगर फिर भी मेरी जान कभी तुझे मालूम नहीं कहीं नहीं